चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 70 और 80 के दशक की चर्चित और बोल्ड अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के बारे में, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का खूब प्यार पाया। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। इनके पिताजी का नाम J.S. ग्रेवाल, जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद पर कार्यरत थे, और इनकी माताजी दर्शी एक गृहिणी। इनकी पढ़ाई लिखाई इनकी बड़ी बहन अमृता के साथ ही इंग्लैंड में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये भारत लौट आई। सिमी का सपना बचपन से ही एक अभिनेत्री बनना था, लेकिन इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये फिल्मों में काम करे, मगर इन्होंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। ये क्या दिख रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ की रेखाएं। ओ, क्या लिखा है इसमें? कमाल है, इसमें तो किसी का खून लिखा है। खून? तुम इससे नहीं मानते। क्योंकि सिमी की अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ थी, इसलिए इन्हें साल 1962 में एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में पहली बार काम करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया में काम किया, जो कि इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद साल 1965 में देवानंद साहब के साथ फिल्म तीन देवियां में इन्होंने अभिनय किया। इस फिल्म की सफलता ने सिमी को हिंदी सिनेमा में एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद इन्हें उस दौर के सभी बड़े स्टार अभिनेताओं के साथ फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। ये फिल्में हैं दो बदन, साथ ही मेरा नाम जोकर, अंदाज और द बर्निंग ट्रेन आदि। इन्होंने साल 1988 की फिल्म रुखसत में आखिरी बार काम किया। तुम्हें मेरी बेटी का नाम छुड़ाने का क्या हक था? इतनी बड़ी बेवफाई, उसे कोमल पुकारते वक्त तुम्हें ये भी नहीं याद आता कि अर्जुन ने यह नाम अपनी बेटी के लिए चुना था? इस फिल्म को डायरेक्ट भी सिमी ग्रेवाल ने ही किया था। सिमी ग्रेवाल दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में वक्त से जरा पहले आ गई। इनकी बोल्डनेस एकदम अलग थी, इनके पास एक अलग निखार, एक अलग खूबसूरती थी। भारतीय सिनेमा शायद इस बोल्ड और इतनी अच्छी हीरोइन के लिए तैयार न था। सिमी ग्रेवाल के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है इन्हें मात्र 17 वर्ष की उम्र में प्यार हुआ जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह से, जो इंग्लैंड में इनके पड़ोसी थे। लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई और कुछ समय बाद इन्होंने साल 1970 में रवि मोहन से शादी कर ली, जो दिल्ली के बड़े ही मशहूर परिवार चूनामल से ताल्लुक रखते थे। इनकी यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और दोनों अलग रहने लगे, लेकिन दोनों का तलाक तकरीबन 10 साल बाद हुआ। मुझे क्या हो गया मंत्री? तुम्हें आराम की जरूरत है। इन्होंने फिल्म जगत में जो भी किरदार निभाए हमेशा याद रखे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय टेलीविजन में सबसे अच्छा इंटरव्यू बेस्ड शो सिमी ग्रेवाल ने ही प्रस्तुत किया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। चल में थक के सो जाएंगे मेरी कसम।